नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2019 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम मिशन चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिशन चंद्रयान 2 की सारी क्रियाविधि को समझेंगे, यानी कि किस प्रकार से इसे लॉन्च किया गया, कितने समय तक ये चक्कर लगाएगा, कब ये चंद्रमा पर पहुँचेगा, चंद्रमा पर किस प्रकार से इसकी लैंडिंग होगी, इन सभी के बारे में हम लोग एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे मिशन चंद्रयान 2 के बारे में। तो सबसे पहले यह है आपके सामने हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत में हम लोग चलेंगे दक्षिण में और यहां पर एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जिला है बिल्लौर और यहीं पर हमारा एक स्थान है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा और श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब यहीं से हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, लेकिन इसे किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है तो ये आपको याद रखना है, GSLV Mark 3, जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं और ये एक रॉकेट है। मुख्य रूप से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इस रॉकेट का क्या उपयोग होता है तो इसका काम ये होता है कि कोई भी इसे हमें अंतरिक्ष में भेजना है उसे ले जाकर पृथ्वी की कक्षा के पास में छोड़ना। तो GSLV Mark 3 जो कि भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है और इसने चंद्रयान को ले जाकर के पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा था। और कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को, समय था दिन में 2:43 पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इस प्रकार से ये हमारा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। अब एक बार जब ये मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हो गया तो फिर अब आइए हम लोग चलते हैं पृथ्वी के बाहर यानी कि स्पेस में। तो ये है हमारी पृथ्वी और इसके चारों तरफ ये है इसकी ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है मुख्य रूप से वह स्थान जहाँ तक हमारे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल बल कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ तक कार्य करता है। तो यहाँ पर कक्षा में ले जा करके इस बाहुबली ने हमारे चंद्रयान 2 को छोड़ दिया और अब ये जो हमारा चंद्रयान 2 पहुँच चुका है पृथ्वी की कक्षा में तो अब ये इसका चक्कर लगाएगा। मतलब क्या हुआ कि बाहुबली ने चंद्रयान 2 को ले जा करके पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया है और ये जो हमारा चंद्रयान है अब ये पृथ्वी की कक्षा में इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। और ये चक्कर कितने दिनों के लिए होगा? तो ये कुल मिलाकर के 23 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा चंद्रयान 2 है ये अपने लॉन्च होने के बाद में यानी कि 22 जुलाई के बाद में 13 अगस्त तक ये हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। उसके बाद में ये जो हमारा चंद्रयान 2 है ये बढ़ेगा धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ। इस प्रकार से ये धीरे धीरे जाएगा चंद्रमा की तरफ और 6 दिन के बाद में ये चंद्रमा तक पहुंच जाएगा, यानी कि 19 से 20 अगस्त को ये जो हमारा चंद्रयान 2 है ये पहुंचेगा चंद्रमा की कक्षा में। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद में फिर ये क्या करेगा कि अब ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। क्या करेगा? ये चंद्रमा के चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। कितने दिनों तक? 13 दिनों तक। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ये 23 दिनों तक चक्कर लगाएगा किसका? हमारी पृथ्वी का। उसके बाद में 6 दिन इसे लगेंगे पहुंचने में पृथ्वी से चंद्रमा तक और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद में ये 13 दिनों तक यहां पर चांद का चक्कर लगाएगा। फाइनली अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेज इस मिशन का, लेकिन उससे पहले हम लोग चंद्रयान 2 मिशन के जो हमारे भाग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। किसका चक्कर लगाएगा? चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और पूरे चंद्रयान 2 में यही हमारा सबसे भारी ऑब्जेक्ट है। इसका कुल वजन है 2.37 टन। उसके बाद में दूसरा हमारा है लैंडर। लैंडर के बारे में अगर हम बात करें तो इसे इस बार नाम दिया गया है और इसका नाम होगा विक्रम। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नामकरण किया गया है लैंडर का। और इसका काम क्या होगा? ये चंद्रमा पर जाकर के लैंड करेगा और यहाँ पर जो लैंडिंग होने वाली है वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है इसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे। और इसका कुल वजन है 1.47 टन। फिर फाइनली आता है हमारा रोवर। रोवर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका नाम है प्रज्ञान और ये चंद्रमा की सतह पर
500 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 500 मीटर चलेगा और इसका कुल वेट है 27 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपने देखा जो तीन हमारे महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं, इनसे आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ऑर्बिटर लैंडर जिसका नाम विक्रम है और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है। तो हमने अभी तक देखा था कि जो हमारा चंद्रयान 2 है वो पहुँच चुका है चंद्रमा की कक्षा में। ये हमारा है मून और ये है उसकी कक्षा। तो ये जो कक्षा है ये 100 किलोमीटर की होगी, यानी कि 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रमा के चारों तरफ ये जो हमारा चंद्रयान 2 है ये चक्कर लगाएगा। कितने दिनों तक? 13 दिनों तक चक्कर लगाएगा। 13 दिनों के बाद में फाइनली 1 सितंबर को इस चंद्रयान 2 से हमारा ऑर्बिटल ऊपर रहेगा, लेकिन जो हमारा लैंडर है वो इससे अलग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से लैंडर अलग होगा और धीरे धीरे ये आकर के हमारे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और लैंड होने के 4 घंटे के बाद में इससे हमारा रोवर अलग होगा और उसके बाद में ये जो रोवर है ये चंद्रमा की सतह पर चलना प्रारंभ करेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि 1 सितंबर को अलग होगा हमारा लैंडर और 6 से 7 सितंबर को जो हमारा लैंडर होगा वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ये याद रखना है, साउथ पोल पर लैंड करेगा। और भारत ऐसा पहला देश होगा कि जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इससे पहले अभी चीन का जो मिशन था वो उसके पश्चिम भाग यानी कि जो पिछले वाला हिस्सा है उस पर उसने अपने रोवर को लैंड कराया था। तो ये कंप्लीट क्रियाविधि है। आई होप आपने सारी चीज़ों को यहाँ पर समझा होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसरो के बारे में जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। तो यहाँ पर हमने चंद्रयान 2 के बारे में सारी चीज़ें बात की, इसरो के बारे में बात की। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 22 जुलाई को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया। पहले ये होना था 15 जुलाई को लेकिन इसके फ्यूल का जो प्रेशर है उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण इसे टाल दिया गया और 22 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन को कहां से प्रक्षेपित किया गया। तो इसे प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा से जो कि है आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है यहां पर इसरो के द्वारा। इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, उसी प्रकार से नासा यूएसए की है, जाक्सा जापान की है, रॉसकॉस्मोस कहाँ की है, ये हमारे रूस की स्पेस एजेंसी है। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन है इसमें जिस रॉकेट का प्रयोग किया गया उसका नाम है GSLV Mark 3 यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और इन रॉकेट का काम क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे पृथ्वी की कक्षा तक ले जाकर के छोड़ देना। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन में इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया चंद्रयान 2 जो मिशन है उसमें लैंडर है, रोवर है, ऑर्बिटर है, लेकिन इंपैक्टर इसमें नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का क्या नाम है। तो चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का यहाँ पर नाम है विक्रम। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा रोवर का क्या नाम है तो रोवर का यहाँ पर नाम होगा प्रज्ञान। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन का रोवर चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड करेगा। रोवर नहीं होगा यहाँ पर लैंडर होगा। तो ये जो हमारा लैंडर है ये लैंड करेगा दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर ये जो हमारा लैंडर है ये लैंड करेगा। अगला प्रश्न है कि लैंडर के सफल लैंडिंग के बाद में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का भारत कौन सा देश होगा। यानी कि अगर भारत का ये जो लैंडर है जिसका नाम है विक्रम ये चंद्रमा की सतह पर पहुँच जाता है आसानी के साथ में तो फिर ये विश्व का ऐसा चौथा देश होगा जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई हो। अब सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है देखिए, 2008 में जब हमारा चंद्रयान 1 मिशन हुआ था उस दौरान भारत ने यहाँ पर हार्ड लैंडिंग करवाई थी। यानी कि उस समय भी ऑर्बिटर के साथ में हमारा जो एक
लैंडर था वो जा करके 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में सीधे लैंड हुआ था चंद्रमा की सतह पर, और वहाँ पर जाकर के वो क्रैश हो गया था। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो चंद्रयान 1 के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर जब ये लैंड हुआ था तो ये थे हार्ड लैंडिंग, यानी कि जो हमारा लैंडर वहाँ पर लैंड हुआ था वो तुरंत वहाँ पर क्रैश हो गया था। और उसी दौरान 2008 में भारत ने पानी की खोज की थी चंद्रमा पर, हालांकि क्रेडिट बाद में उसका ले लिया था अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका की कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था उस समय भारत के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग इस बार करा लेता है तो भारत यहाँ पर चौथा ऐसा देश होगा यूएसए, रूस और चीन के बाद में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले अपना रोवर किस देश ने उतारा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि चीन, रूस और यूएसए, इन सारे लोगों ने रोवर तो उतारे हैं, लेकिन भारत यहाँ पर पहला ऐसा होगा कि जो दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा। दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी ने रोवर नहीं उतारा, लैंडर नहीं उतारा है। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के लिए कौन हमारी मिशन डायरेक्टर है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रितु करिकल करिधल यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन के लिए मिशन डायरेक्टर थी। तो यहाँ पर आपको देखना है रितु करिधल को, और कई लोगों ने अभी मैंने देखा कुछ वीडियो में जहाँ पर मिशन डायरेक्टर के लिए जो दो नाम बताए गए हैं उनमें से एक नाम गलत होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि मिशन डायरेक्टर कौन थी तो आप बताएंगे रितु करिधल, और अगर आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है तो वो होंगी एम वनिता। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। हालांकि अगर आपसे डायरेक्टर के बारे में केवल पूछा जाता है तो आप ऑप्शन में से इन दोनों में से किसी को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक यहाँ पर पूछा जाएगा विशेष तौर पे मिशन डायरेक्टर या फिर आपसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में, तो आपको यहाँ पर मार्क करते हुए ध्यान देना है। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर है एम वनिता। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है और यहां पर मिशन डायरेक्टर कौन है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन का कुल वजन कितना है। तो यहां पर जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन है इसका कुल वजन है 3.8 टन। यहां पर हमने PSLV GSLV Mark 3 को काउंट नहीं किया है, हमने केवल यहां पर पूरे चंद्रयान 2 को मेंशन किया है। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 कितने दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो ये परिक्रमा करेगा 23 दिनों तक। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस दिन लैंडर ऑर्बिटल से अलग होकर के चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा माना जा रहा है या ऐसा प्लान है इसरो का कि जो हमारा लैंडर है वह ऑर्बिटल से 1 सितंबर को अलग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य क्या है। तो जाहिर सी बात है उद्देश्य क्या है कि जो हमारा यहाँ पर ऑर्बिटर है वो भी जानकारी इकट्ठा करेगा, जो हमारा लैंडर है वो भी चंद्रमा की सतह की जानकारी इकट्ठा करेगा, और जो हमारा रोवर वहाँ पर होगा वो भी चंद्रमा की सतह की जानकारी इकट्ठा करेगा। और इनमें मुख्य रूप से काम होगा कि जल की उपस्थिति किस प्रकार से है इसके बारे में पता करना, जो भी वहाँ पर चट्टाने हैं चंद्रमा पर उन चट्टानों में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं इसके बारे में पता लगाना, और चंद्रमा की सतह किस प्रकार से है, किस प्रकार से वहाँ की मिट्टी है, इन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करना, ये लक्ष्य है चंद्रयान 2 का। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का पता लगाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का पता लगाने के विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसैट असफल हो गया। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इजराइल ने दिसंबर 2018 में अपना एक स्पेस मिशन भेजा था जिसका नाम है बेरेसैट। इसके द्वारा भी कोशिश ये की गई थी कि चंद्रमा पर एक लैंडर उतारा जाएगा, हालांकि ये पूरी तरीके से प्राइवेट था। इजराइल की सारी जनता ने इसमें सहयोग किया था, और जो स्पेस एक्स है
एलन मस्क का, अमेरिका के जो बिजनेसमैन है एलन मस्क, इनका स्पेसएक्स एक प्राइवेट हमारी स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा इसे कंडक्ट कराया गया था। तो फाइनली क्या हुआ कि लैंडर जो है जिसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी चंद्रमा पर, वो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया था। अगर ये भी सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा देता तो भारत यहाँ पर पाँचवा देश बन जाता, लेकिन भारत अब होगा चौथा देश। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चीन के चंद्रयान मिशन चांग-E4 में रोवर ने चंद्रमा के किस भाग पर लैंडिंग की थी? तो मैंने आपको बताया दक्षिणी ध्रुव पर करेगा हमारा इंडिया, और इसने किया था डार्क साइड पर, यानी कि चंद्रमा का वह हिस्सा जो हमें नहीं दिखाई देता है, इसे हम लोग डार्क साइड, पश्च भाग या पीछे का हिस्सा भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा को, मुख्य रूप से ये डार्क साइड ऐसी होती है जो हम यहाँ पृथ्वी से नहीं देख पाते। अब इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि यहाँ पर चंद्रमा का सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, कुछ इस प्रकार से हमारे चंद्रमा का रोटेशन ही होता है पृथ्वी के चारों तरफ, कि ये हमेशा जो भाग है ये उसके पीछे ही रह जाता है और इसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो डार्क साइड पर लैंडिंग की थी चांग-E4 ने। अगला प्रश्न है कि चीन द्वारा अपना मिशन चांग-E4 कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था मई 2018 में। ध्यान दीजिएगा ये मई होगा 2018, 2019 में नहीं, 3 जनवरी को इसका रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरा था। तो ऑप्शन सी फिलहाल यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर 2018 होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चीन के चंद्रयान के रोवर का नाम क्या था? तो जैसे हमारे रोवर का नाम है यहाँ पर प्रज्ञान, उसी प्रकार से चीन के रोवर का नाम था U2। क्या नाम था? U2 यहाँ पर रोवर का नाम था चीन के चंद्रयान के। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन असफल हुआ? तो ये मैंने आपको बताया है, ये मिशन था इजराइल का। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले पहुँचने वाला देश कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर 20 जुलाई 1969 को पहुँचा था कौन सा देश? USA। तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। USA के इस मिशन का नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। और उसी समय नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य भी बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है, हालांकि ये तो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार से आप करंट के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।